गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोग देखा था कि नंबर को रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो उस दिन हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। आज हम लोग इसके टाइप के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि टाइप ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे उस दिन कि द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज ए रेशनल नंबर। आज हम लोग रेशनल नंबर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यह रेशनल नंबर का टाइप जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, या इस दूसरा और दूसरा जो होता है वो रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग का सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेट करना, टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाना। जब किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से डिवाइड करते हैं तो वह परफेक्टली डिवाइड हो, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहां से कर देंगे कि एवरी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज ए डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पी बाई क्यू टर्मिनेट यानी कम टू एंड, उसको पूरा वह कहीं एक ऐसा समय आए जहां वह पूरा परफेक्टली कट जाए, तो उसको देन ऑब्टेंड डेसिमल इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसा हम एक का तो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर आप ले लीजिए यहां से 1/2, अब यहां से 1 को 2 से डिवाइड करिए, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां ये नहीं कटेगा, 2 में 1 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट देंगे, 0 देकर एक पॉइंट, और पॉइंट देने के बाद हम लोग एक 0 यहां पुट करेंगे और यह 5 टाइम्स क्या हुआ, कट गया, यह कट गया। तो इसको हम लोग 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5। अगर इसी तरह से हम लोग अगर 1/4 लिखें, अगर 1 को 4 से डिवाइड करें तो यह क्या होगा, यहां से देखिए 1 को 4 से डिवाइड किए तो यहां से ये नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 0 या देंगे पॉइंट देंगे और फिर एक यहां 0 को लेंगे। अब यह 2 टाइम्स लगेगा तो यह 8 आएगा और यहां से रिमाइंडर कितना बचा 2, और 2 के बाद फिर एक 0 अपने मन से बैठा दें, यहां अपने मन से बैठा दें, यह 5 टाइम्स या 20 आ गया, तो यहां से यह कट गया। तो 1/4 को हम लोग 0.25 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 1/5 अगर हम लोग लेते हैं तो इसको 0.3 यहां से इसको 1 को 5 से डिवाइड करके देंगे, 5 से जब डिवाइड करेगा तो यहां से 0. अब यहां से पॉइंट जब दे दिए तो 0 देंगे, यहां 2 टाइम्स लगाएंगे तो यह 10 आ जाएगा, यह कट गया। तो यानी इसको हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। यहां हम लोग देखें जो भी एग्जांपल देखें इससे क्या हो रहा है कि यह हमारा परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो इसको ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। दूसरा है कि रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, तो रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि बार 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 कोई चीज आए, रिपीट कर रहा है और एक ही चीज को दोहरा रहा है, तो उस तरह से अगर डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट जो बार बार आ रहा है दोहरा रहा है तो वैसे डेसिमल को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि कोई एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन पी वाई क्यू इज ए रिपीटिंग डेसिमल इफ ए डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप 1/3, अब 1/3 1 को 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3
करने के बाद फिर यहाँ जीरो एक लेंगे। अब इधर थ्री टाइम्स हो जाएंगे तो यहाँ नाइन आएगा, फिर रिंग नंबर वन आएगा, फिर अपने मन से एक जीरो देंगे, फिर ये थ्री टाइम्स होगा, फिर ये थ्री टाइम्स होगा तो नाइन आएगा, नाइन से फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वन आएगा, फिर एक जीरो देंगे यहाँ थ्री देंगे, फिर यहाँ नाइन, फिर यह वन, फिर जीरो, फिर नाइन, या इस तरह से करते करते ये क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कभी एंड ही नहीं कर रहा, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे फ्रैक्शन को जब डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 0.33333 डैश, या इसी को हम लोग 0.3 बार, या इस तरह से एक बार का लाइन खींच दीजिए, या ऊपर एक बिंदु भी अगर आप दे देते हैं। इसको लिखने का तरीका है 3 की पावर 1, ऊपर से हल्के पॉइंट देते हैं तो ये भी एक, इसको हम लोग वैकुम पढ़ेंगे, ये बिंदु या लाइन को वैकुम भी पढ़ते हैं, बार भी पढ़ते हैं। अब यहां से दूसरा, अब दूसरा को देखते हैं, जब आप टू को 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 में 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ 0.3 फिर एक यहाँ 0 पुट करेंगे तो यह 3 टाइम्स आ गया। अब यहाँ से एक फिर हमारा डिवाइडर क्या होता है 2 बच गया, फिर एक 0 देंगे, फिर 3 टाइम्स लगाएंगे तो फिर यह हमारा 18 आ जाएगा, या फिर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि बार बार ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, रिमाइंडर का 2 आ रहा है, और फिर हम लोग 0 पुट करते हैं और फिर 3 टाइम्स, फिर 18 आ रहा है, फिर ये रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसको हम लोग देखेंगे 0.333 डैश, तो इसको भी फिर हम लोग इस तरह से 0.3 बार लिख सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल अब हम लोग एक नंबर लिए, एक फ्रैक्शन लिए हैं 3/11। अब 3 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ इधर। अब यहाँ 3 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए 11 से 3 नहीं कटेगा तो हम लोग 0., अब यहाँ अपने मन से एक 0 पुट कर सकते हैं, तो अब ये कितने टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स लगेगा, तो यहाँ से 2 टाइम्स लगाएंगे तो यहाँ 22 आ गया। अब यहाँ इसका रिमाइंडर कितना हो गया 8, अब अपने मन से एक 0 डालेंगे, अब ये कितने टाइम्स लगा 7 टाइम्स या 77, फिर यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 3 आ गया, फिर एक 0 यहाँ हम लोग अपने मन से डालेंगे, फिर ये कितना टाइम्स लगेगा 2 टाइम्स लगेगा, यहाँ से फिर 22 हुआ, फिर कितना रिमाइंडर बच गया 8, फिर एक 0 यहाँ पुट करेंगे, फिर 7 टाइम्स लगाएंगे तो ये 77, यानी फिर यह 3 आ गया। यानी हम लोग देख रहे हैं क्या कि 27 के बाद फिर 27 आ गया, यानी यह दोहरा रहा, एक ही नंबर है 27 जिसको बार बार ये दोहरा रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.27272 डैश डैश इस तरह से। और अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि 2 डिजिट जो है वो कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, तो जो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 0.27 की पावर हाफ या डैश, इस लाइन को वैकुम या बार दोनों में से कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देखें कि यह रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, इधर हम लोग देखें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो यहाँ से ये दोनों हम लोग अभी प्राप्त किए। अब हम लोग कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर आइदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, या तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो वह रिपीटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल या एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर, या एवरी रिपीटिंग डेसिमल
रेशनल नंबर। तो यहां से जो भी हम लोग का डेसिमल नंबर प्राप्त होगा वो अल्टरनेटिंग डेसिमल होगा या रिपीटिंग डेसिमल होगा या दोनों में से कोई एक होगा। तो अभी हम लोग यह देखें कि रेशनल नंबर का टाइप देखें और अब हम लोग एक कोई रेशनल नंबर लेते हैं उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे इसके बारे में हम इसके इसको देखेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग देखें रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल एक का एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। देखते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो इसको सबसे पहले मान लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू 0.33 यानी इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 0.3333 डेल्टा ये ले सकते हैं। अब यहां से दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड आप 10 से मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 बिग यानी यहां से 10 से अब 10x इज इक्वल टू 3.33333 या आप डेल्टास ले सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहां से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन यहां से दूसरे वाले इक्वेशन से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है यानी 10x माइनस x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3.333333 इस तरह से डैश माइनस यहां से 0.33333 डैश। तो अब यहां से इसको जब करेंगे तो जब 10x में से x जाएगा तो ये कितना आएगा 9x और ये कितना हो जाएगा यहां से या 3 बच जाएगा आप जब भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहां से x इक्वल टू यहां से इसको 3/9 लिखे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो देखिए यहां 3/3/9/3=1/3 दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और रेशनल नंबर अगर मान लीजिए किसी भी दो संख्याओं के बीच 5, 10, 15 रेशनल नंबर निकालना है तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम हो वह मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करिए और सेम मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है उस पर आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।